सबको पहला जयकारे बुलंद करांगे दुश्मणा बड़ी चल जाती है। मैनू उम्मीद है कि जयकारे का जवाब उस बुलंद आवाज देवे कि इस समय दिया हुकूमत पता लग जाएगा कि इन्ना सौखा नहीं इन्हों मैदान के भजा देना। सच्चा सरदार कदे गदार नहीं होता। सच्चा सरदार अपनी कौम लई अपने लोगों लई सिर कटा सकता है, अपनी जान कुर्बान कर सकता है, पर अपने लोगों नाल अपनी कौम नाल कदे गदारी नहीं कर सकता। गदार कदे सच्चा सरदार नहीं हो सकता। समय के चेत्या च समय ने हर गल तय कर देनी होती है कि कौन सही है तो कौन गलत है। एक गल आही दिल्ली की स्टेज है, वही मेरे लोग ने, संयुक्त मोर्चे के आगू ने, लखा स्थान है। सो अज इतों ऐसे स्टेज तो लंबे अरसे के बाद क्योंकि तहानू भी पता है कि किस तरीके 26 जनवरी तो बाद जो घटनावां घटिया, मुकदमे भी दर्ज होए, रूपोश भी होना पाया, पर दोबारा फिर आके मोर्चे ना जुड़े हैं। मोर्चे ना जुड़न का इको एक मकसद है कि किसी भी हालात के विच असी हर के नहीं जाना। इतों चाहे जो मर्जी हो जाए, सानू अपनियां जाना कुर्बान करनिया पैन, अपनियां हिक्कां डाउणियां पैन, पर एक गल याद रखो लोगों, जे असी इस मोर्चे तो पिछा हट जाने अज असी अपने छोटे मोटे बखरेवे करके मत पैदा करके असी धड़िया च बढ़े जाने, असी घर बढ़ के बैठ जाने, तो याद रखियो साड़ी आने वाली पीढ़ियों का भविख है जोड़ा वो बिल्कुल तबाह हो जाना। एक गल चेते रखियो। सो भाव बहुत समा हो गया सानू इतने बैठिया, तकरीबन 10 महीने का समा हो गया। इन्होंने 10 महीनों के बड़े अपराध कर रहे हैं। मोर्चा सिखर वाल भी गया, मोर्चे के बच्चे ग्राउंड भी आई, पर मोर्चा पैरों से खड़ा। बहुत बंद भरम भुलेखा होंगे या लगातार गुनाह भी फैलिया। इतों के गोदी मीडिया ने भी यह प्रचार किया कि मोर्चे का खिंड गया जी, मोर्चे नो जवानी टुट गई जी, मोर्चा बंडिया गया जी, हुण उत्थे कोई है नहीं गा, कंध खत्म हो गया, लोगों के नाराजता आ गई। सो किसी प्रकार की कोई नाराजता नहीं। मैं सजदा करता इतने मैं बजुर्ग मिले है, ट्रालिया च बैठे, तबुआ च बैठे बजुर्गों मिल के आए हैं, जिन्हों 8-8 महीने हो गए, 9-9 महीने हो गए, कदे अपने घर का मूंह नहीं देखिया जाके, सिरदा करते बजुर्गों, उन्होंने बापू, मामा, उन्होंने भैनों। नौजवानों साडे लिए बलाल है कि साढ़े 80-80 साल के बापू, साढ़िया 90-90 साल दिया बेबे धरने के बैठिया ने, तो जवानी साड़ी घर जाके बह गई है। क्यों बई कि असी मोर्चा फतेह कर लिया,
की जंग जित ली। अज फिर उन्होंने गदारा के मुंडिया में जाके चढ़ गए, जिन्हें गदारा ने सानू दिल्ली दिया बरूहों से लिया के बिठाया, जिन्हें गदारा की बदौलत साडा फिर सब किसान शहीद हो चुके, मजदूर शहीद हो चुके हैं, जिन्ना गदारा की बदौलत साड़ी आने वाली जरा पंजाब का भविख है, पंजाबी का भविख है, वो खत्म होने वाल वह है। वो कौन गदार ने दसो भी कौन गदार ने? वो सियासी जमात जड़िया अज भी सानू पाल रही ने। आप देखते शरीआम रैलियां करते सी, पिंडा दे भाईचारे नू खत्म करता, साडे पिंडा दे विच धड़े बन गए, अद्धे लोक कह लग गए कि असी लीडरां नू पिंड च बुलावांगे, असी रैलियां जावांगे, तुसीं करके दिखाओ की दिखाउणा है। सो भरावो असी जवाब यह मोदी हुकूमत तो नहीं लेना कला, असी जवाब उन्हां गदारां पालना कैप्टनां तो भी लेना, क्योंकि ये जेड़े काले कानून आए ने जेड़े हालातों नूं पंजाब अज पहुंच गया। आपां देखदे आं पिंड पंजाब दे हर पिंड विच चिट्टा बिकी जांदा है, रोज आपां देखदे आं किवें साडी जवानी टीके ला ला के मर रही है। साडी पंजाब दी जवानी ये सोहनी धरती नूं छड के बाहरले मुल्कां नूं भज रही है, किन्ना दर्द करके बई आ जिन्ना लोगों ने समय समय के इतने राज किया पंजाब के विच, ये बराबर के दोषी ने। सो ये मत दिमाग के विच लेके आयो भी कला मोदी जिम्मेवार है, कहीं सेंटर की चाहे पहला कांग्रेस रही हो जिम्मेवार है, इतने जिम्मेवार भरावो बाद भी बराबर जिम्मेवार हो, कांग्रेस भी बराबर जिम्मेवार। ठीक है, एक गल मैं कहनी चाहूंगा कि जो ये रैलियां चाहते ने तो विरोध सख्त होना चाहिए, कोई डांडा ना चलाओ, कोई गड़े ना चलाओ, इन्हों खड़ा के सवाल करो, जवाब मंगो कि तुम इन्ना च पंजाब की सत्ता का सुख माणिया, तुम दसो पंजाब इन्ना हालातों क्यों पहुंच गया। हर पंजाबी के मन के सैकड़े सवाल ने इन रवायती पार्टियां के लिए। सो भरावो अगली गल मैं एक होर कह देनी चाहता इस मोदी को, जे तुम यह भुलेख है यह भरम है तो दिमाग के पिछों कर दौ कि लोग हक जाएंगे अक जाएंगे टुट जाएंगे या निराश होकर घर मुड़ जाएंगे। साडे विरसे दे विचों सानूं एक ही गुणती मिली है कि जो कदे गल हकां दी आऊगी तो हकां दा के अगे खड़ांगे। अंदोलन एक ऐसा अंदोलन है जी इस पूंजीपति सरकार के कफर का किल साबित होने वाला है। ये भुलेखा कर दो कि सरकार पिछे की हटूगी और देखियो ना करनाल के किवें पंजां छियां दिनां दे विच उहदी गठबंधन सरकार पछाण हटी है, जिहड़ी कदे कहिंदी सी कि पत्ता नहीं हिरन देवांगे, जिहड़ा डीसी कदे कहिंदा सीगा कि 44 लाख दी कोई सैक्टर नहीं रोक देवे, कोई सैक्टर अगर नहीं आने देवे, और देखो छेवे दिन कि पैरों आके डिगी है। सो पंजाब वाले सानू हरियाणे तो भी सीखने की लड़ है, ये भी झाकी मारो, असी धड़िया च पंडे गए, सियासी पार्टियां च पंडे गए, शब्द सियासी पार्टियां ने कख नहीं सा सुनारना ना पहला सुना रहा, जिन्नी मर्जी नवी सरकार ले आओ, जिन्नी मर्जी लीडर बदल के देख लो, मुख्यमंत्री मंत्री बदल के देख लो, साडा भला नहीं होना है, भुल जाओ, ये नंगे धड़ होकर लड़ना पैना, गल का ख्याल रखियो। अखीर के उत्ते मैं एक होर बेनती जरूर करूंगा, जिन्हें साढ़े सांझे किसान मोर्चे के आगू साहबान है उन्होंने अपील करनी चाहना है, अरदास करनी चाहना है, ये मेरी भी है पूरे इस अंदोलन लड़ता है लोगों की मंग है कि तुहाडे अगे अरदास करते हैं कि साडा कई बार ये ना सोच लियो कि स्टेज तो आके पता नहीं किहो जी गल कर देंगे यार, तुहानू अरदास ये करते हैं भी कोई ना कोई हुण कोई ठोस ते वधिया प्रोग्राम दिओ, लोग तुम तैयार है, लोग आने तैयार है,
पिंड जाने तो उसे यही गल होंगी है कहते भाई तू सुनेहा आ जाए पैर जुत्ती नहीं पाने सीधे दिल्ली जावे तो भरोसा अस ये दिने तहानू कि अभी छोटे ना मोटे ना मोटा जोड़ से पहले दिन तो खड़े सी ते आज तक खड़े सो इन मेरिया बेनती लगातार हम अभी इतने पक्के बह गए भरावो आके और सोई ढाबे को थोड़ा तंबू अभी ला लिया रात को जो भी आप कहीं मिलना करना जिन्हें अपने तंबू लगे हुए ने सारे को आप वारी वारी बैठ के विचार भी करनिया ने कि आने वाले समय के असं चाहते हैं कि फ्लोर टुटे थोड़ा जहाँ जो अपना अगला प्रोग्राम तेज हो मोर्चा तेज हो देखो मुजफ्फरनगर ने कि करनाल ने दोबारा रूह फूकी है दोबारा फिर लोगों लगन लगे कि नहीं यार यहाँ फवाह ही सी मोर्चा कित नहीं गया मोर्चा उठ ही खड़ा है तो आओ आप सारे इकट्ठे होकर एक साझा फैसला लगे ताकि सरकार को सेक लगे पता लगे जी सरकार हूँ तक ये गल ही करती रही कि कानून तो सही है असं पछाड़ नहीं हटा एक तरह के नाल उन्होंने मोर्चे अंदोलन अखों परोखी करता सभी छोड़ो यार गल ही नहीं करनी पर मैं तुम्हें एक गल होर दस दिना अखीर के उत्ते जो मेरी जमानत हुई ना तो मेरी क्राइम ब्रांच के बीच पेशी पई है एक दिन छड़ के बुला लेंगे सके लंबी चौड़ी गलबात आखिर दस दस घंटे मेरे ना करते उसे गल पता की निकल के आई है उसे ACP DCP वे वे अफसर बैठे होंगे तो उन्होंने को जी गल पता लगी है भी अंदर खाते सरकार भी हिली हुई है वो एक ACP ने मैं दसिया कहता ये अंदोलन सरकार के गल की हड्डी बन चुके हैं ये सानू भुलेखा भी सरकार तो गल नहीं करती पुराने कंध क्यों नहीं सरकती ये सानू लगता हूं अंदरों भी हिले हुए ने डरे हुए ने कंबे हुए ने सो हौसले च रहो मजबूत रहो दृढ़ता के नाल सबर के नाल कोई गल नहीं जितने पाया जो मर्जी हो जाए अभी वापस नहीं जाओ फैसला कर लो अंदर अपनी आत्मा तो पूछ लो आने वाले का नसलों वाल झात मार लो कि लड़की की खातर रहे हैं कितना देसी वारस है कि साडा इतिहास है ये फैसला तुहाडे हत्था भरावो बोले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।